नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विकासशील देश है, लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में आज आप देख सकते हैं कि अगर आप छोटे से किसी सिटी में भी जाते हैं तो वहां पर फ्लैट्स, इमारतें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और बन चुकी भी हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि लॉकडाउन हो गया है, लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्शन के काम को इजाज़त दी गई है कि आप बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आप चालू रख सकते हैं। तो आज उसी से जुड़ा एक बिज़नेस लेकर आई हूँ, ईंट के भट्ठे कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि ईंट कैसे बनाई जाती है, उसका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं आप, क्या ये बिज़नेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसी की जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी। लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियोज़ आप आगे देखना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर के आपको बताते हैं कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं ये बिज़नेस। ऐसे शुरू करें ईंट बनाने का बिज़नेस। ईंटों के बिना किसी तरह के निर्माण कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। पारंपरिक मिट्टी से बनी ईंटों की जगह सीमेंट की ईंट, राख की ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मिट्टी से बनी ईंटों का वास्तविक विकल्प अभी तक कोई नहीं है। इसके कई कारण हैं। इनमें से पहला कारण यह है कि मिट्टी से बनी ईंट सीमेंट या राख से बनी ईंट से सस्ती, टिकाऊ तथा मजबूत होती है। दूसरा कारण यह है कि एक इमारत में भारी संख्या में ईंट का प्रयोग होता है। अन्य सीमेंट और राख की ईंटों के महंगे होने के कारण निर्माण की लागत बहुत बढ़ सकती है। तीसरा कारण यह है कि भारत में बनने वाली इमारत में इस्तेमाल होने वाला मसाला यानी सीमेंट, बालू, मोरंग आदि मिट्टी की ईंट जितने अच्छे तरीके से सेट हो जाती है, उतनी अच्छे तरीके से दूसरी किस्म की ईंट सेट नहीं हो पाती, जिससे इमारत की मजबूती पर असर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं ईंट भट्टे का व्यवसाय कैसे शुरू करते हैं। ईंट का भट्टा लगाना बहुत आसान है। ये शहर और गांव से दूसरे खाली जगह पर लगाया जाता है। ये बिजनेस पूरी तरह से मानव श्रम पर आधारित है, इसलिए ईंट भट्टे को सस्ते श्रमिकों वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। इस बिजनेस में काम करने वाले श्रमिक का अकुशल और अनट्रेंड श्रमिक काम कर सकते हैं। गांव देहात के रहने वाले श्रमिक मिट्टी के काम में कुदरती रूप से पारंगत होते हैं। इसका कारण गांव में बच्चा जब होश संभालता है तो वो मिट्टी से जुड़े अनेक काम करता है। उसके लिए मिट्टी का कोई भी काम करना कठिन नहीं होता। इसी तरह गांव की महिलाएं जो पशुपालन के कारण गोबर उठाने और उनके उपले पाथने में पारंगत होती हैं, उनको ईंट बनाने के काम में किसी तरह की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि ऐसे राज्य हैं जहां के श्रमिक इस काम में कुशल होते हैं और बहुतायत में मिल भी जाते हैं। बड़ी पूंजी वाला बड़ा व्यवसाय। ईंट भट्टे का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जितना बड़ा बिजनेस उतना ही अधिक मुनाफा। यह बिजनेस अधिकांशतः बड़ा किसान आसानी से कर सकता है या फिर बड़ा बिजनेसमैन कर सकता है। जिसके पास गैर उपजाऊ जमीन लंबी चौड़ी होती है, उसके पास मानव श्रमिकों से काम कराने का अच्छा खासा अनुभव होता है। इस काम को शुरू करने के लिए कम से कम 1.5 एकड़ की जमीन की जरूरत है। ये जमीन शहर गाँव की बस्ती से दूर होनी चाहिए ताकि इससे होने वाला प्रदूषण का असर आसपास रहने वालों पर ना पड़े। सरकार की ओर से प्रदूषण को लेकर ईंट भट्टों वालों पर समय समय पर सख्ती भी की जाती है। सरकार की ओर से ईंट भट्टे के लिए अनेक नियम और मानक बनाए गए हैं और उनको पूरा करने के बाद ही भट्टे के निर्माण की अनुमति मिल पाती है। इसके बाद ही ईंट निर्माता अपना काम शुरू कर सकता है। प्राइम लोकेशन की जरूरत नहीं। ईंट भट्टे के लिए एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी तरह की प्राइम लोकेशन वाली महंगी दुकान की जरूरत नहीं है। इसके लिए शहर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मार्केट के दुकानदार, बिल्डर, ठेकेदार, आर्किटेक्ट आदि ईंट भट्टे के मालिकों के कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये अपने अपने कस्टमर की डिमांड पर ईंट की सप्लाई के ऑर्डर भट्टा मालिकों या उनके मैनेजमेंट के पास भेजते रहते हैं, जहाँ से उन्हें सप्लाई की जाती है। कभी कभी तो ईंट की सप्लाई डिमांड से कम हो जाती है, उस समय ईंट के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे बरसात में ईंट के ना बनने के कारण इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, इसकी मार्केटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सरकारी कानूनी प्रक्रिया अपनानी है जरूरी। ईंट भट्टे के लिए आपको सरकारी कानूनी प्रक्रिया अपनानी जरूरी है और उसके लिए पैसे भी खर्च करने होते हैं। हालांकि किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए आपको कई लाइसेंस लेने होते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक संपदा और मानव श्रम पर आधारित व्यवसाय है, इसके लिए आपको केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही अलग अलग तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, लेकिन पहले जैसी भाग दौड़ या परेशानी अब नहीं करनी पड़ती है। काफ़ी काम ऑनलाइन हो गया है। वैसे भी सरकार 15 अगस्त 2021 को व्यापारियों को अनेक सुविधाएं देने के लिए 6000 नियम हटाने वाली है। उसके बाद तो काफी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब जानते हैं कौन कौन से लाइसेंस लेने होते हैं।
उद्योग विभाग में आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आपको सरकार से अपने भट्टे का व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। उसमें तमाम तरह की जानकारी देनी होगी। प्रदूषण नियंत्रक विभाग से भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि इस काम में भारी संख्या में श्रमिक लगते हैं, इसलिए श्रम विभाग में अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा मजदूरी, काम करने के घंटे आदि के नियम मानने होंगे। श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े ईपीएफ और ईएसआई में भी आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनके नियम मानने होंगे। एक भट्टे को लगाने में कितनी लागत लगती है? एक भट्टे को लगाने में लागत अच्छी लगती है। सबसे पहले तो आपको भट्टा लगाने के लिए लंबी चौड़ी जमीन की आवश्यकता है। ये जमीन गांव बस्ती से दूर होने के कारण सस्ती मिल जाती है। यदि आपके पास है तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। इसके अलावा आपको इसमें काम करने वाले सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको प्रवासी मजदूरों की सहायता लेनी, जो पूरे परिवार के साथ वहीं रहने को तैयार रहते हैं। अब पता लगाते हैं कि किन किन चीजों की जरूरत होती है और उसके हिसाब से कितनी लागत आती है। एक भट्टा लगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? 1 से 1.5 एकड़ जमीन, एक चिमनी, ट्रांसपोर्ट के साधन, मिट्टी, ईंधन, श्रमिक, मैनेजमेंट से जुड़े कर्मचारी, ईंट बनाने का सांचा, छोटी छोटी हाथ ठेली, गधे या खच्चर अथवा छोटी खच्चर गाड़ी, रेत, राबिश, जेसीबी मशीन, खुद की या किराए की। लागत। ईंट भट्टे के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको जिन सरकारी लाइसेंस की जरूरत होती है उनकी फीस भी अच्छी खासी है। इसके बाद जमीन की लागत भी काफी आती है। इसके बाद आपको थोक भाव में दोमट मिट्टी भी खरीदनी होती है, चिमनी बनवानी होती है, बालू खरीदनी होती है, ईंधन खरीदना होता है, श्रमिकों को सैलरी और ईपीएफ और ईएसआई देना होता है, मिट्टी खुदाई के लिए जेसीबी मशीन की आवश्यकता होती है, मिट्टी ढोने के लिए कई वाहनों की आवश्यकता होती है। इन सब चीजों को खरीदने पर कम से कम 50 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। मुनाफा कितना हो सकता है? क्योंकि ये बड़ी पूंजी वाला बिजनेस है तो इसमें मुनाफा भी तगड़ा होता है। एक भट्टे में एक साल में 4 बार ईंट पकाकर निकाली जाती है। एक बार में लगभग 10 से 15 ईंट बनाई जाती है। एक भट्टे में 6 प्रकार की ईंट निकलती हैं जो बाजार में बिकती है। इन ईंटों को इन नामों से जाना जाता है, अवम, दोयम, लाल पेटी, पीली पेटी, तलसा, खंजर, जो अपनी क्वालिटी के अनुसार अलग अलग रेटों पर बेची जाती है। इसमें सबसे महंगी ईंट अव्वल है और सबसे सस्ती खंजर। यदि प्रत्येक ईंट पर 1 रुपए का भी मुनाफा मिलता है तो व्यापारी को साल में 60 लाख रुपए का मुनाफा मिल सकता है। इसका एकदम सही हिसाब किताब इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि देश में अनेक राज्य में अलग अलग नियम कानून हैं और सभी राज्यों में अलग अलग तरह का हिसाब किताब। फिर भी एक छोटे मोटे अनुमान के अनुसार इस मुनाफे को प्रतिशत में देखें, ये लगभग 25 से 30% पड़ता है। तो देखा आपने, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा है, लेकिन आपका ये बिज़नेस तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आगे आगे आप देखिए, आगे आगे ये रियल एस्टेट का काम, बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टीज़ का ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे में अगर आप आज इसकी शुरुआत करते हैं पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ, ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपके बिज़नेस का सच्चा साथी।